आज हम इस तरह की बहुत ही खूबसूरत मोती माला जी बनाने वाले हैं। ये बिल्कुल नेकलेस के जैसे दिखेगी। तो आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप देख सके। तो चलिए माला जी बनाना स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले इस तरह के रेड मोती लेंगे, इसके बाद येलो कलर के जगह मोती और इस तरह के वाइट मोती। अब हम सबसे पहले रेड मोती लेंगे, इस तरह से एक साथ 25 मोती लेंगे। 25 मोती एक साथ लेने हैं हमें। हमने एक साथ 25 मोती ले लिए हैं। अब हम एक मोती छोड़ के उसके बाद के मोती में से सुई को निकालेंगे। अब हम फिर से चार रेड मोती लेंगे, तीन येलो मोती लेंगे और फिर से चार रेड मोती लेंगे। और अब हम उसी मोती में से वापस निकल के उसके पास वाले मोती में से निकलेंगे। इस तरह से दो मोती में से सुई निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे मोती अटैच हो जाएंगे। अब हम फिर से चार रेड मोती और दो येलो मोती लेंगे इस तरह से। और जो हमारे आगे वाले एक येलो मोती और उसके नीचे के चार रेड मोती, टोटल पांच मोती, और नीचे की लाइन के जो जिस मोती में हमारी सुई है वो और उसके पास वाला, इस तरह से टोटल सात मोतियों से हम सुई निकालेंगे। इस तरह से अब हम फिर से चार रेड मोती लेंगे और दो येलो मोती लेंगे और आगे के जैसे ही येलो चार रेड और नीचे की लाइन के दो रेड, टोटल सात मोती में से सुई निकालेंगे। फिर से चार रेड और दो येलो लेंगे और आगे की लाइन के पांच मोती और नीचे की लाइन के दो मोती, इस तरह से टोटल सात मोती में से सुई निकालेंगे। फिर से हम चार मोती लेंगे और दो येलो मोती लेंगे और आगे के पांच मोती और नीचे की लाइन के दो मोती, इस तरह से हम सात मोती में से सुई निकालेंगे। तो इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। अब हम ऊपर की साइड वाले येलो मोती में निकलेंगे इस तरह से। अब हम वहाँ पे तीन रेड मोती लेंगे और तीन येलो मोती लेंगे इस तरह से, और तीन येलो मोती छोड़ के दो रेड मोती में से सुई को निकालेंगे। फिर से एक रेड मोती लेंगे और उसके पास वाला जो येलो मोती है उसमें से निकल जाएंगे इस तरह से। फिर से तीन रेड मोती, तीन येलो मोती और तीन रेड येलो मोती छोड़ के दो रेड मोती में से निकलेंगे इस तरह से।
फिर से एक रेड मोती लेंगे और आगे वाले बीच वाले येलो मोती में से निकल जाएंगे। फिर से हम तीन रेड तीन येलो मोती लेंगे। तीन येलो मोती छोड़कर दो में से निकलेंगे और एक रेड मोती लेके पास वाले येलो मोती में से निकल जाएंगे। इस तरह से, तो इस तरह से हमें 10 बार लेना है। उसके बाद हम फिर से तीन रेड मोती लेंगे, एक वाइट मोती लेंगे बड़ा वाला और तीन येलो मोती लेंगे। इस तरह से, और तीन येलो मोती छोड़ के वाइट और ऊपर के दो रेड में से निकलेंगे। इस तरह से फिर से एक रेड मोती लेंगे और येलो मोती में से साइड में से निकल जाएंगे। इसी तरह से फिर से तीन रेड मोती लेंगे, एक वाइट मोती लेंगे और तीन येलो मोती लेंगे। और तीन येलो मोती छोड़ के वाइट में से निकल के दो रेड मोती में से भी निकल जाएंगे। इस तरह से और फिर एक रेड मोती लेके ये साइड वाले येलो मोती में से निकल जाएंगे। फिर से तीन रेड मोती, एक वाइट मोती और तीन येलो मोती लेने। और तीन येलो मोती छोड़ के वाइट और दो रेड मोती में से निकलेंगे। और एक रेड मोती लेके आगे वाले येलो मोती में से निकल जाएंगे। तो इस तरह से सामने की साइड के जैसे ही ये साइड भी कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी माला जी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में हम गांठ लगाएंगे। इस तरह से, तो हमने गांठ लगा दी। अब देख सकते हैं हमारी माला जी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो हमारी बहुत ही खूबसूरत माला जी बनके तैयार हुई है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।